टू साइड ट्यूटोरियल्स। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स को स्टार्ट कर चुके थे और सिमिलर ट्राइंगल्स में हम लोगों ने दो थ्योरम आप लोग की ऑलरेडी कवर अप कर ली थी। आज हम लोग आपकी थर्ड थ्योरम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम उसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये आप लोगों ने साइंटिफिक में पढ़ा ही होगा, लेकिन टेंथ क्लास में आपका इस थ्योरम का प्रूफ है सिलेबस में और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका स्टेटमेंट भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। वैसे इसी स्टेटमेंट इसका आप लोग पहले भी लर्न कर चुके होंगे, पता होगा सभी को, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टेटमेंट इसका है, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब अगर कोई भी आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, सपोज की दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, अगर B पर 90 डिग्री है तो B के अपोजिट में जो साइड होती है हाइपोटेनस उसका स्क्वायर, बच्चों ये दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, वो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, ये आप लोग जानते हैं। तो आज हम इसका प्रूफ करेंगे। तो पहले फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा जो फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग इस तरीके से फॉर्म करें, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो। सो दिस इज ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल है बी। तो अब देख लीजिए गिवन क्या है हमें, गिवन आपको है ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है बी। तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी और साथ ही साथ आपको गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ जो हमें करना है, प्रूफ क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है जो 90 डिग्री की अपोजिट होती है, मतलब एसी का जो स्क्वायर होगा, लेट अस राइट इट डाउन टू प्रूफ, एसी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी कि बी से हम इसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस इज बी डी। सो कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू इसी। BD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है इसी पर और ये परपेंडिकुलर के क्योंकि कंस्ट्रक्शन पार्ट से हमने इसे डॉटेड शो किया है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसके प्रूफ पर। देखिए प्रूफ करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि जो आपका लेफ्ट वाला ट्राइंगल है ADB और जो कंप्लीट ट्राइंगल है ABC इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सेकेंड स्टेप में राइट आपका ट्राइंगल CDB एंड जो कंप्लीट ट्राइंगल जो आपका CBA इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल ADB और एक ले रहा हूँ मैं ट्राइंगल ABC और ऑर्डर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। सो प्रूफ में इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC इन दोनों में आप एक चीज देखेंगे ADB और ABC में जो आपका एंगल ए है वो कॉमन है, ADB में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं एंगल ए इज कॉमन। और उसके बाद जो आपका एंगल ADB है वो 90 डिग्री है और एंगल ABC जो है वो भी 90 डिग्री है। तो एंगल ADB is equal to angle ABC, reason is both 90 degree। तो एक आपका एंगल ए इक्वल हो गया और एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो जब किसी भी ट्राइंगल दो ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी
एंगल एंगल सिमिलैरिटी से आपका ट्राइंगल एडीबी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ये ऑर्डर आपने गलत कर दिया तो ये आपकी थ्योरम प्रूव नहीं हो पाएगी। ये ऑर्डर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि एंगल ए कॉमन है, फिर एंगल डी आपका एंगल बी के इक्वल है तो डी मिडिल में आना चाहिए, यहाँ पर बी मिडिल में आना चाहिए। अब देखिए ये दोनों आपके ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए हैं तो अब मैं इनकी साइड को प्रोपोर्शनल लूंगा। देयरफॉर एडी, अब मैंने लिया है एडी, फर्स्ट टू लेटर्स लिए हैं एडी तो यहाँ से फर्स्ट टू लेटर्स आप ले लीजिए, ये हो गया एडी। एडी डिवाइडेड बाई एडी दिस इज इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट और लास्ट ले रहा हूँ मैं एबी, यहाँ से फर्स्ट और लास्ट ले लेंगे एसी, एबी अपॉन एसी। इसका रीजन आप लिखेंगे क्या कि इन दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब इसके बाद हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, तो ए बी इंटू ए बी हो गया ए बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसे हम लोगों ने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर वन। तो अब तक हमने क्या किया कि आपका जो लेफ्ट वाला ट्राइंगल है इसको कंप्लीट ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ किया है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका राइट ट्राइंगल है इसको कंप्लीट ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो इन ट्राइंगल सी डी बी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन ट्राइंगल सी डी बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, मैं ए बी सी ना लिखकर सी बी ए लिख रहा हूं ताकि हमारा ऑर्डर गलत ना हो। सी डी बी और सी बी ए इन दोनों ट्राइंगल्स में आपका एंगल सी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें लिख लेंगे एंगल सी इज कॉमन। और उसके बाद एंगल सी डी बी दिस एंगल एंड एंगल सी बी ए दिस एंगल दोनों 90 डिग्री, तो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, रीजन इज बोथ 90 डिग्री। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी का हम लोग यूज करेंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ट्राइंगल सी डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए। अब उसके बाद साइड का प्रोपोर्शन प्रूफ करेंगे, फर्स्ट टू हमें लेंगे सी डी और यहां से मिल गया सी बी, सी डी अपॉन सी बी दिस इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट लेंगे सी बी अपॉन सी ए। और रीजन क्या होगा इसका, अगेन साइड आर प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर भी साइड साइड की प्रोपोर्शन हो गई। अब अगेन जैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी का यहाँ पर मल्टीप्लाई सी बी और सी ए का, तो सी बी इंटू सी बी इज सी बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सी डी इंटू सी ए। या फिर आप इसे लिख सकते हैं सी बी को बी सी, क्योंकि आप बी सी लिखे हैं सी बी सेम रहेगा वो, दिस इज सी डी इंटू ए सी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर टू। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू। तो ऐड जो मैं कर रहा हूँ तो इसके लेफ्ट पार्ट ऐड हो जाएंगे और इसके राइट वाले पार्ट ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर लेफ्ट में आपका ए बी स्क्वायर, तो मैं लिख लूंगा ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर लेफ्ट में है बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिख लिया बी सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। ये पार्ट आपका एज इट इज चलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ये है ए डी इंटू ए सी
और ये है सी डी इंटू ए सी, तो इन दोनों में से मैं ए सी को कॉमन ले लूंगा, तो ए सी आपका आ गया कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचा ए डी, और यहां से बचा सी डी, तो दिस इज ए डी प्लस सी डी। उसके बाद अगेन लेफ्ट वाला पार्ट आप एज इट इज लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए सी इनटू, अब अगर हम फिगर में चेक करें ए डी प्लस सी डी, तो ये पार्ट ए डी है और ये पार्ट सी डी है, और ए डी और सी डी को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ए सी, तो ए डी प्लस सी डी के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए सी। नेक्स्ट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए सी इनटू ए सी इज ए सी स्क्वायर। तो देखिए यही मैं प्रूफ करना था कि ए सी स्क्वायर इसके इक्वल है, तो लास्ट आप देख सकते हैं देयरफॉर जो आपका हाइपोटेन्यूस है ए सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। एक और बार देख लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब कोई भी अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो उसका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूस मींस जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, इस साइड का स्क्वायर AC का स्क्वायर जो है वो बची हुई जो हमारी दो साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के इक्वल होगा, इनके एडिशन के इक्वल। तो यहां पर हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, B पर हमने 90 डिग्री फॉर्म किया है, दिस इज ट्रायंगल ABC और हमें गिवन है कि एंगल भी 90 डिग्री है, इससे ज्यादा कुछ गिवन नहीं है। फिर नेक्स्ट इज टू प्रूफ, तो इसमें एंगल B के अपोजिट में AC है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी थी, तो हम लोगों ने बीडी ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू एसी, और ये हमने डॉटेड शो किया क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। फिर हमने क्या किया कि ये जो आपका लेफ्ट वाला ट्रायंगल से कंप्लीट ट्रायंगल के हमने सिमिलर प्रूफ किया है, तो ट्रायंगल एडीबी लिया और एबीसी लिया, और इसमें ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एबीसी दोनों में आपका एंगल ही कॉमन आ रहा है, क्योंकि एडीबी में भी आपका एंगल ही आ रहा है और एबीसी में भी एंगल ही आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है कॉमन है, और फिर एंगल एडीबी और एबीसी इक्वल है, एंगल एडीबी और एंगल एबीसी इक्वल है क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी, ये आपका गिवन था हमें 90 डिग्री क्योंकि राइट ट्रायंगल ये और ये हमने परपेंडिकुलर बनाया है इसलिए 90 डिग्री, तो दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी के अच्छे ट्रायंगल एडीबी एडीबी और एबीसी दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल कर लिया, एडी अपॉन एबी दिस इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी, फर्स्ट टू लिए यहां से एडी यहां से फर्स्ट टू एबी, तो एडी अपॉन एबी यहाँ से फर्स्ट और लास्ट लिया है ए बी यहाँ से फर्स्ट और लास्ट ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि साइज प्रोपोर्शनल है सिमिलर ट्रायंगल्स की साइज प्रोपोर्शनल होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर आ गया आपका ए डी इंटू ए सी। सेम वे में जो काम हमने लेफ्ट में किया था हमने राइट में किया है, सी डी बी लिया और सी बी ए लिया, तो सी डी बी और सी बी ए में एंगल सी कॉमन आ गया क्योंकि दोनों में फिर एंगल सी डी बी और एंगल सी बी ए ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी सी डी बी और सी बी ए दोनों सिमिलर होंगे। फिर सिंगलर ट्रायंगल्स की साइड प्रोपोर्शनल होती है, तो सी डी अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी, ये आप क्या देखिए क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी इंटू सी बी सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी ए, इसको सी बी को मैं बी सी लिख सकता हूँ क्योंकि आप बी सी लिखिए या सी बी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका क्या बी सी स्क्वायर है सी डी इंटू ए सी। ये आपकी इक्वेशन नंबर वन थी, ये इक्वेशन नंबर टू है, दोनों को हमने ऐड किया तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका राइट पार्ट है ए डी इंटू ए सी, इसमें राइट में सी डी इंटू ए सी सी डी इंटू ए सी, तो ए सी आपने सी डी इंटू ए सी, इन दोनों में से मैंने ए सी को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आपका आया ए डी प्लस सी डी और ए डी प्लस सी डी है आपका ए सी। तो इस तरीके से थ्योरम हमारी प्रूव हो गई है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपकी, इसे बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, बोर्ड में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आज हम लोगों ने आपकी थर्ड थ्योरम कवर अप कर ली है, सिंगल ट्रायंगल से मैंने चार थ्योरम्स आपको बताई थी, तीन हमारी हो गई हैं, लास्ट थ्योरम जो है आपकी वो है कन्वर्स, इसी का कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर एक साइड का स्क्वायर दो बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो जो फर्स्ट साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना होगा। ये आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जिसे कि हम लोग कवर अप करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के सभी अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।